बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए आशिकाने औलिया कराम, हमारा YouTube चैनल मज़ारातों वाला YouTube चैनल है। हम जगह जगह जाकर मज़ारातों की वीडियो बनाते हैं। आज हम आपको बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह ताला अलैह के बर्थ प्लेस मकान की वीडियो दिखाएंगे। आपका मकान बोल्टन मार्केट न्यू मेमन मस्जिद के करीब और साथ ही टावर भी है वहाँ वाक़ है। आपकी पैदाइश 25 दिसंबर सन 1876 को हुई और एक अंदाज़े के मुताबिक ये मकान आपकी पैदाइश से तकरीबन 10 या 5 साल पुराना है, पहले का है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये आसारे कदीमा नुमा घर है और अंदर फर्नीचर वगैरह भी रखे हुए हैं, इस्तेमाल की चीज़ें। अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने इनसे पाकिस्तान आज़ाद कराने का काम लिया और यहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात हैं। मुमकिन है कि उन बुज़ुर्गान दीन ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दुआएँ दी होंगी और जिसकी वजह से अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत जहानत से नवाजा। ये आशिकाने औलिया कराम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने से तकरीबन एक साल पहले अपनी बीमारी को छुपाए रखा। इन्हें टीबी की बीमारी थी। एक दिन आप इंग्लैंड गए और वहाँ पर लियाकत अली ख़ान साहब ने मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि आप अपनी बीमारी का टेस्ट करवाएं, इलाज करवाएं। तो आपने होंठों पर उंगली रखकर मना फरमाया इशारे से कि इसका ज़िक्र नहीं करना। बाद में जब आपकी बीमारी ज़ाहिर हुई और पाकिस्तान बन चुका था तो लियाकत अली ख़ान समझ गए थे कि इन्होंने बीमारी क्यों छुपाई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये डर था कि पाकिस्तान बनने से पहले अगर मेरी बीमारी के बारे में लोगों को पता चल जाए तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान बनने से रोक दिया जाए। ये उनका हम पर बड़ा एहसान है, इसीलिए कहा गया है कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर। सुभान अल्लाह, ये हमारे बड़े गुज़रे हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, जिनमें लियाकत अली ख़ान साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब और अब्दुल रब नश्तर और दीगर बहुत से लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल हमें नेक बनाए, नमाजी बनाए और दीन के रास्ते पर चलने वाला बनाए और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल हिदायत अता फ़रमाए, उन्हें भी नमाजी बनाए, हराम माल से बचाए और हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला बनाए। दुश्मन अनासिर से हम सबको, तमाम मुसलमानों को महफूज फरमाए। आमीन बिचाहिन नबील आमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दरगाह शाह अकीक बुखारी और घंटी के बटन पर आल प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।